खबर शामिल करते हैं जैक बबा से, जहां सिंध फोरम की जानिब से अहम इजलास मकामी होटल में बुलाया गया। मुलाकात में शहर के अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। जैक बबा में सिंध फोरम ने शहर के मसाइल पर अहम इजलास तलब कर लिया, जबकि यूथ मीटिंग से खिताब करते हुए नौजवानों का कहना था कि शहर में सफाई का कोई निज़ाम नहीं, शहर में सेहत की सहूलियात नहीं है, मकामी यूनिवर्सिटी को ताले लगे हुए हैं। सिंध फोरम ने हर वक्त अपना किरदार अदा किया, जबकि सफाई का मुनासिब निज़ाम न होना ज़िला जैकबाबाद में अक्सर बीमारियों में इजाफा है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं और जैकबाबाद में पीने के साफ पानी का मनसूबा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जबकि शहरियों की जानिब से टैंकर के जरिए पानी की तरसील की जा रही है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। जबकि कहा गया कि शहरियों को टैंकर के जरिए पानी की तरसील की जाए, जो कि सरासर इंसानियत के नजरिए पर काम करती है। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां चांद का सिविल हॉस्पिटल लाड़काना में डोकरी की रिहायशी 7 साल बच्ची हलीमा के पेट में 700 ग्राम से ज्यादा वजनी रसोली का कामयाब ऑपरेशन किया गया। मेडिकल सुप्रीडेंट लाड़काना डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख का कहना है कि बच्ची के पेट में रसोली के बायस शदीद तकलीफ का सामना था, जबकि रसोली पेट के ऐसे हिस्से में थी जहाँ डॉक्टर्स के लिए ऑपरेशन करना किसी चैलेंज से कम नहीं था। हम जामिया बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हेड्स सर्जन प्रोफेसर सराजुद्दीन सुबरो और बका मोहम्मद अब्बासी ने अपनी 5 रुकनी टीम के साथ बच्ची का कामयाब ऑपरेशन करके रसोली निकाली है, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची की हालत खतरे से बाहर है।